Entire state is eyeing on Ratanpur murder case. इस जॉब की वजह से रोज काव्या को मिल पाऊंगा। कौन भागेगा और कौन टिकेगा? सीधे पॉइंट पर आते हैं तो मैडम, हम ना जामतारा में एक ड्राई फ्रूट्स की कंपनी शुरू करना चाहते हैं। तो इस हफ्ते में हमें जैसे बहुत सारा कंटेंट देखने को मिला है जिन्हें इस हफ्ते में हिंदी लैंग्वेज में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज किया गया है, जिनमें हॉलीवुड की हंगर गेम्स हिंदी डब में रिलीज हो चुकी है अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, किंग्समैन गोल्डन सर्कल नेटफ्लिक्स पे, अम्ब्रेला अकेडमी का सीजन 4 नेटफ्लिक्स पे, शामरण का सीजन 2 नेटफ्लिक्स पे, वन फास्ट मूव नई एक्शन थ्रिलर मूवी अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में, और नई हिंदी एवरेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी गुड़चड़ी जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और एक बढ़िया मस्ट वॉच नई हिंदी साईफाई माइंड बेंडिंग वेब सीरीज 11/11 Zee5 पे, साउथ की बढ़िया एक्शन थ्रिलर मूवी टर्बो सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और नेटफ्लिक्स पे मस्ट वॉच नई मूवी फिर आई हसीन दिलरुबा, जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे लाइव हिल गई और कल रात को ही जी सिनेमा पे टीवी प्रीमियर हो चुकी है हिंदी डब में साउथ की मूवी मंगलावारम, और बॉलीवुड की ही हिंदी मूवी चंदू चैंपियन अभी बिना रेंटल के अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। बाकी बात करते हैं नए कंटेंट की जो अभी हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है या फिर आने वाले दिनों के लिए कन्फर्म हो चुका है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने के लिए, जिसमें सबसे पहले यूट्यूब पे साउथ की एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी एक्शन थ्रिलर मूवी कोरियर बॉय कल्याण को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.4 की है, और कहानी इस टाइटल के जैसे ही एक कुरियर बॉय की देखने को मिलती है जिसको अभी एक सोशल सर्विस एक्टिविस्ट से एक कुरियर रिसीव होता है, जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है, जिसको एक्शन और थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है इस मूवी में, जो अभी यूट्यूब पे वैम इंडिया मूवीज के चैनल पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है और बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद बंगाली ऑडियंस के लिए होयचा के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है जिसका नाम है प्रधान, जिसमें हमें पॉलिटिक्स के अराउंड कहानी देखने को मिलने वाली है जो अभी होयचा के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही रिलीज कर दी गई है। इसके बाद काफी टाइम पहले हॉलीवुड के एक आर रेटेड हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था जिसका नाम है द कॉलिंग, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.9 की है, और अभी इस मूवी को यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है इंडिया में, जिसमें हमें एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलती है जो अपने शहर में आराम से रह रही होती है, लेकिन अभी एक एक करके कत्ल होने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद उसका सामना एक सीरियल किलर के साथ होने वाला है। तो कहानी में कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और कैसे डराते हुए दिखाया जाता है, वही हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाला है, और आईएमडीबी रेटिंग 5.9 की ठीक ठाक है, तो इस मूवी को ट्राई जरूर कर सकते हैं जो अभी यूट्यूब पे सोनी पिक्चर्स के चैनल पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई हॉलीवुड की ही एक और बढ़िया आर रेटेड साइकोलॉजिकल एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी द हंटर को भी हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.1 की है, जिसमें हमें ह्यूमन हंटिंग की कहानी देखने को मिलने वाली है जब एक एफबीआई एजेंट एक ऐसे लोगों के ग्रुप के पीछे पड़ने वाला है जो जंगल में ह्यूमंस का शिकार करते हैं, जिसे अभी इंडिया में वर्ल्ड मूवीज के चैनल पे हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। बाकी इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी काफी बढ़िया है, तो ट्राई करना तो बनता है। इसके बाद गुजराती ऑडियंस के लिए काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक बढ़िया एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रतनपुर, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.6 की है, और इस बढ़िया मूवी को अभी शिमारू मी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है जो ओनली गुजराती लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, और कहानी हमें एक आईपीएस ऑफिसर की देखने को मिलने वाली है जिसके पास अभी एक कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केस आने वाला है जो उसकी जिंदगी को काफी मुश्किलों से भरने वाला है। बाकी क्या होता है वही हमें इस बढ़िया मूवी की कहानी में देखने को मिलता है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग भी काफी बढ़िया है 7.6 की। तो गुजराती ऑडियंस के लिए एक बढ़िया मूवी शिमारू मी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद इसी साल 2024 में ही एक बढ़िया कोरियन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था जिसका नाम है एक्जुमा, जो एक ऑस्कर अवार्ड विनिंग मूवी है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.9 की है, और ये एक मस्ट वॉच मूवी है जिसका इंडियन ऑडियंस के साथ साथ मैं भी काफी इंतजार कर रहा था कि कब हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगी। तो फाइनली अभी इस मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है, और ये मूवी अभी हमें 12 अगस्त मतलब के आने वाले मंडे के दिन में बुक माई शो स्ट्रीम की ओर से हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है, और ये एक मस्ट वॉच हॉरर साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो रही है तो और भी बढ़िया बात है।
इसके बाद Amazon की ओर से एक नई हिंदी एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है नाम नमक निशान, जो एक बढ़िया मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें इंडियन आर्मी के दो सोल्जर्स की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसमें रोमांस भी होने वाला है, एक्शन भी और थ्रिल भी। तो ये आने वाले हफ्ते की एक बढ़िया नई हिंदी वेब सीरीज होने वाली है, जिसे अभी 14 अगस्त के दिन से Amazon Mini TV एंड MX Player के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो फ्री में आ रही है तो देखनी तो बनती है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया मूवी जो थिएटर्स में फ्लॉप हो गई थी, उसे नेटफ्लिक्स पे OTT प्रीमियर कर दिया गया था इसी हफ्ते में, जिसका नाम है इंडियन का पार्ट 2, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है। बट अभी इसकी हिंदी डब की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है, जिसकी IMDb रेटिंग 5.5 की है, और अभी आने वाले हफ्ते में हमें हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, और वो भी नेटफ्लिक्स की OTT प्लेटफॉर्म पे ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो ये भी आने वाले हफ्ते की एक नई हिंदी डब मूवी होने वाली है, जिसको भी थिएटर्स में तो ज्यादा लोगों ने नहीं देखा, लेकिन OTT पे इसको देखने का काफी इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज होने के बाद 6 अगस्त को Amazon Prime के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पर रिलीज कर दी गई थी हॉलीवुड के एक बढ़िया एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी डिस्पिकेबल मी का पार्ट 4, जिसमें हमें क्यूटी से मिनियंस देखने को मिलते हैं। लेकिन 6 अगस्त को इस मूवी को ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, बट अभी इस मूवी की हिंदी डबिंग की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है, जो अभी हमें आने वाले हफ्ते में 16 अगस्त से बुक माई शो स्ट्रीम पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, ये भी आने वाले हफ्ते की एक बढ़िया मस्ट वॉच हिंदी डब मूवी होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, जो आपको फुल एंटरटेन करने वाली है। इसके बाद एक नई हिंदी रियलिटी टीवी शो सीरीज रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है डार्क स्क्रोल, जो एक हॉरर रियलिटी टीवी शो सीरीज होने वाली है, जिसकी वे भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। और अभी ये सीरीज हमें आने वाले हफ्ते में 16 अगस्त से ही जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से देखने को मिलने वाली है, जिसे MTV की ओर से बनाया गया है और जियो सिनेमा पे भी एक साथ ही अवेलेबल कर दी जाएगी, जिसमें हमें कुछ पार्टिसिपेंट्स एक हॉरर हाउस में जाते हुए देखने वाले हैं, और उनको कौन से टास्क दिए जाते हैं वही हमें इस रियलिटी टीवी शो सीरीज में डराते हुए दिखाया जाने वाला है। इसके बाद कादिर मलिकी जी की ओर से एक बढ़िया हिंदी वेब सीरीज जमतारा के सीजन 3 के बारे में पूछा गया है, जिसके पहले 2 सीजन आ चुके हैं नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से, जो नेटफ्लिक्स की एक बड़ी वेब सीरीज रही है, जिसको इंडियन ऑडियंस की ओर से बहुत ज्यादा पसंद किया गया था, और इसके सीजन 3 का भी काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बट बता दूं कि अभी लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से इस वेब सीरीज की शूटिंग अभी तक शुरू नहीं की गई है, और सीजन 3 के बारे में अभी तक कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं है, और ना ही नेटफ्लिक्स की ओर से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है। तो इस वेब सीरीज का सीजन 3 आएगा तो सही, बट इसको लेके एक नए स्कैम वाली प्रॉपर कहानी लिखी जा रही है, जो हमें देखने को मिलेगी तो सही, लेकिन उसके लिए साल 2025 तक का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी आने वाले टाइम में जब भी कुछ कंफर्म पता चलता है, मैं इसको लेके आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता ही रहूंगा। बट अभी के लिए इसके एक्टर की ओर से इसी साल 2024 के पहले क्वार्टर में ये कंफर्म कर दिया गया है कि इसकी अभी तक शूटिंग शुरू नहीं हुई है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। इसके बाद बॉलीवुड की ही मई मंथ में रिलीज हुई थी थिएटर्स में एक बढ़िया साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी करतम भुगतम। तो साहिल खान जी ने कमेंट किया है इस मूवी को लेके कि कब ये मूवी हमें OTT पे देखने को मिल सकती है। तो बता दो साहिल खान जी कि अभी तक इस मूवी को लेके कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं आई है, तो अभी तक इस मूवी को किसी भी OTT प्लेटफॉर्म की ओर से खरीदा नहीं गया है, तो ये मूवी हमें डायरेक्ट TV प्रीमियर होते हुए देखेगी। बट अभी के लिए इसको लेके कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं आई है, लेकिन सितंबर मंथ में हमें TV पे देखने को मिल सकती है, और जब भी कुछ कंफर्म अपडेट आती है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। जिसके लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को फॉलो करते रहें, और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।